नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। सोमवार को गाजीपुर में मिले 29 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। सोमवार को गाजीपुर में 29 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। बता दें कि इन नए पाए गए मरीजों में से 5 मरीज नंदगंज, 5 मरीज जमनिया PHC, 1 जमनिया तहसील, 1 जमनिया कस्बा, 1 गहमर, 1 पुलिस लाइन गाजीपुर, 2 सुखा, 1 सोनबरसा, 1 रेवतीपुर, 1 सिविल मोहम्मदाबाद, 1 सेवराई, 1 नवापुरा, 1 शुभाकरपुर लावा गाजीपुर, 1 बाराचवर गाजीपुर से पाए गए हैं। मर्दा थाना पुलिस को रविवार की देर शाम बड़ी सफलता मिली। उसने क्षेत्र के सिरसी नहर पुलिया के पास घेरेबंदी कर बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को दबोच लिया, जबकि 1 भागने में सफल रहा। पुलिस ने निशानदेही पर चोरी की 6 बाइक बरामद की है। थाने में प्रेस वार्ता करते हुए क्षेत्राधिकारी कासमाबाद महमूद अली ने बताया कि गिरफ्त में आए अभियुक्त शातिर किस्म के बाइक चोर हैं। ये जिले के साथ ही गैर जनपदों की भी बाइक चोरी का काम करते थे। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक मर्दा शरद चंद्र त्रिपाठी के साथ उप निरीक्षक चंद्र शंकर मिश्र, योगेंद्र पाल, कांस्टेबल आशीष कुमार, संदीप यादव, प्रमोद कुमार सरोज, राजेश तिवारी, कैलाश मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार लोग शामिल थे। ग्राम प्रधान संघ के सदस्यों ने सोमवार को प्रधानों की सुरक्षा संबंधित 1-7 सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद को सौंपा। ग्राम प्रधान संघ मोहम्मदाबाद के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चंचल के नेतृत्व में मोहम्मदाबाद के ग्राम प्रधान का एक प्रतिनिधि मंडल उप जिलाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता एवं क्षेत्राधिकारी विनय गौतम से मुलाकात कर प्रधानों की सुरक्षा एवं परसा गोली कांड में फर्जी ढंग से ब्लॉक प्रमुख मोहम्मदाबाद रामकृत सिंह यादव के ऊपर किए गए मुकदमे को वापस ले जाने की मांग कर रहा था। पत्रक देने जाने वालों में ब्लॉक प्रमुख रामकृत सिंह यादव, ग्राम प्रधान शशिकांत शर्मा, ब्रिजलाल यादव, संतोष पासवान, पप्पू खान, अमरनाथ बिंद एवं अजहर खान आदि शामिल थे। भारतीय मानव समाज पार्टी के तत्वावधान में सोमवार की सुबह गाजीपुर के तलवल मोड़ के पास स्थापित वीरांगना स्वर्गीय फूलन देवी के मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई गई। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिंद ने कहा कि फूलन देवी ने हमेशा ही वंचित समाज की लड़ाई लड़ी। उनका सपना था कि बिंद, केवट, निषाद सहित अन्य समाज के लोग भी अपने हक अधिकार के लिए अपने डंडे के नीचे आकर विधानसभा और सदन में जाकर अपना हक अधिकार ले सके। इसलिए भारतीय मानव समाज पार्टी के उनके सपने को साकार करने के लिए एक झंडे का निर्माण किया। सभी मछुआ समुदाय व वंचित समाज अपने हक अधिकार को दिलाने के लिए व उनके सपने को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। इस अवसर पर केवट राम जतन बिंद, जंग बहादुर बिंद, जमुना बिंद, दीन बंधु बिंद, प्रकाश कुमार बिंद और सिकंदर बिंद मौजूद रहे। बिजली के निजीकरण के विरोध में आगामी 18 अगस्त को प्रांत व्यापी विरोध प्रदर्शन एवं सभाएं करने को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश जनपद शाखा गाजीपुर की बैठक सोमवार को शहर के बड़ी बाग स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर में हुई। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए संयोजक निर्भय नारायण सिंह ने चेतावनी दी कि यदि निजीकरण के फैसले को वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन होगा। इस मौके पर सह संयोजक इंजीनियर आशीष चौहान, इंजीनियर महेंद्र मिश्रा, इंजीनियर मनीष कुमार, इंजीनियर आदित्य पांडे, इंजीनियर चंद्रपाल सिंह, सहायक अभियंता शिवम राय मिठाई लाल, सहायक अभियंता अभिषेक राय, अमित कुमार, अभियंता संजीव भास्कर, मनोज कुमार पटेल, संतोष चौधरी, अभियंता विश्वकर्मा, जूनियर इंजीनियर संतोष मौर्य, जूनियर इंजीनियर प्रेमचंद, जूनियर इंजीनियर पंकज जायसवाल आदि मौजूद रहे। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।